डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 है। इसमें बात करेंगे हम जीवाणुओं में जनन के संबंध में कि जीवाणुओं में जनन किस किस प्रकार से होता है। जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से वर्धि तथा अलैंगिक प्रकार का होता है, जिसमें कायिक वर्धि जनन अर्थात कायिक या वर्धि जनन। वर्धि जनन मुख्य रूप से विखंडन और मुकुलन द्वारा होता है। विखंडन मुकुलन आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। विखंडन द्वारा किस प्रकार से होता है, जब उचित और अनुकूल वातावरण होता है तो जीवाणु कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है अर्थात विखंडित हो जाती है, जैसे एस्चेरेशिया कोलाई। इसी तरह मुकुलन द्वारा, मुकुलन में कभी कभी जीवाणु में आपने कुछ देखा होगा कोशिकाओं में कि उन पर एक सिरे पर उभार के समान एक रचना निकल आती है जिसमें संकीर्णन होता है, यानी बीच में से सिकुड़ती है और वहाँ से वो टूट जाती है। इस तरह से एक जीवाणु से अर्थात एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती हैं, जैसे हाइफोमाइक्रोबियम। अब सेकंड आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन भी कई प्रकार से होता है, जैसे अंतःबीजाणु यानी एंडोस्पोर द्वारा। अंतःबीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने वाली एक जटिल संरचना होती है, यानी जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो अंतःबीजाणु बनता है, और उसके बाद जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अंतःबीजाणु नई कोशिका उत्पन्न करता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनने की एक जटिल संरचना है जिसमें कोशिका के क्रोमेटिन का एक भाग कोशिका की एक साइड में केंद्रित हो जाता है, जैसे वैसिलस या क्लॉस्ट्रिडियम कुल के जीवाणुओं में। सेकंड पॉइंट, कॉनेडिया द्वारा। कॉनेडिया ये स्टेप्टोमाइसीज कुल के जीवाणुओं में तंतुओं जैसी कुछ रचनाएं होती हैं जिनकी अनुप्रस्थ भित्तियों की श्रृंखला में कॉनेडिया बनते हैं, जो अनुकूल वातावरण में नए जीवाणु उत्पन्न करते हैं अर्थात नए जीवाणु के रूप में विकसित हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट है जूस्पोर द्वारा। जूस्पोर यानी कुछ जीवाणुओं में जूस्पोर संरचना विकसित होती है जिससे नए जीवाणु बनते हैं, जैसे राइजोबियम, यानी आपको पिछले चैप्टर में बताया सहजीवी जीवाणु राइजोबियम। इसी तरह चौथा पॉइंट है सिस्ट द्वारा। सिस्ट कुछ जीवाणुओं में कोशिका भित्ति के चारों ओर मोटी भित्ति बन जाती है अर्थात परत बन जाती है, और जो सिस्ट एक बाहरी मोटे आवरण का रूप ले लेती है, और इसके बाद वो अनुकूल वातावरण आने पर नए जीवाणु को जन्म देती है, जैसे एजेटोबैक्टर। अब आता है जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। आप जानते हैं कोई भी जीव हो या कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु का मनुष्य के लिए दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, एक लाभकारी रूप में और एक हानिकारक रूप में। अर्थात इस तरह से जीवाणु भी मनुष्य के लिए लाभकारी भी हैं और हानिकारक भी हैं। अगर हम लाभदायक क्रियाओं की ओर चलते हैं तो सबसे पहले भूमि उर्वरता बढ़ाने में, यानी जीवाणु भूमि उर्वरता भी बढ़ाते हैं। जैसे आपको पिछले में बताया गया है कि कुछ जीवाणु राइजोबियम कुल के होते हैं जो पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, इसी तरह से कुछ जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकारक होते हैं अर्थात वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। कुछ अमोनीकारक जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल में रहने वाली अमोनिया को नाइट्रोजन में बदलते हैं। तो जैसे अमोनीकारक जीवाणु में वैसिलस माइकोइडस, वैसिलस रेमोसम। नाइट्रोजन स्थिरीकारक में आप पहले ही पढ़ चुके हैं एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास। इस तरह के जीवाणु भूमि उर्वरता को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त उद्योगों में भी जीवाणुओं का बड़े रूप में प्रयोग होता है, जैसे डेयरी उद्योग अर्थात दूध से बनने वाले उत्पादों में, जैसे लैक्टोबैसिलस केसाई, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस, लैक्टोबैसिलस लैक्टेस। आप जानते हैं कि दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये भी जीवाणुओं द्वारा किण्वन होने के कारण होता है अर्थात जीवाणु इनमें किण्वन करते हैं और उसके पश्चात दही, पनीर, ये चीज़ें, मक्खन आदि बनते हैं। कुछ जीवाणुओं का प्रयोग औषधि निर्माण में भी किया जाता है, मुख्य रूप से
एंटीबायोटिक अर्थात प्रतिजैविक औषधियाँ जीवाणुओं के द्वारा ही बनती हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस नामक जीवाणु से बनाई जाती है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टो ओरियोफेशियंस, वेसीट्रासिन, वेसिलस सबस्टिलिस, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। तो इस तरह से अनेक जीवाणुओं से कई प्रकार की प्रतिजैविक अर्थात एंटीबायोटिक दवाएं तैयार की जाती हैं। नेक्स्ट उपयोगी लाभकारी में मल अपघटन में, मल अपघटन में आप जानते हैं कि हमारे सीवर टैंकों में जीवाणु उनकी सफाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात उत्पन्न होते हैं और हमारे सीवर टैंकों की सफाई करते हैं। आजकल इनका कृत्रिम रूप से जीवाणुओं को उत्पन्न करके सीवर टैंकों में छोड़ा जाता है, जिससे वो सीवर लाइनों को चौक होने से बचाते हैं। इसी तरह से जीवाणुओं की कुछ हानिकारक क्रियाएँ भी होती हैं, यानी हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं। जैसे देखते हैं हम खाद्य पदार्थों के दूषण में, यानी खाद्य पदार्थों को ख़राब करने में। आपने देखा होगा बहुत से खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाती हैं, प्रदूषित हो जाती हैं, वो बहुत से जीवाणुओं के द्वारा होती हैं, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, माइक्रोकोकस। इसके अतिरिक्त जीवाणु अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे यदि हम मनुष्य में रोग की बात करते हैं, तो मनुष्य में हैजा, टीवी, टाइफाइड, काली खांसी, ये सभी रोग जीवाणु जनित रोग होते हैं। जैसे हैजा को विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु उत्पन्न करता है, टीवी अर्थात ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी, काली खांसी बोर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणुओं से होती हैं। इस तरह से अनेक रोग हैं जो जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में होते हैं। जीवाणु मनुष्य में ही नहीं पौधों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे सिट्रस कैंकर, यानी नींबू कुल के नींबू, मौसमी, संतरा, इन पौधों में सिट्रस कैंकर नामक एक रोग होता है, जो जैंथोमोनास सिट्राई नामक जीवाणु द्वारा होता है। ब्लाइट ऑफ पैडी अर्थात धान का ब्लाइट रोग जैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु द्वारा होता है। रिंग रोट ऑफ पटेटो यानी आलू का रिंग रूट रोग जैंथोमोनास सोलिनेशियस द्वारा होता है। तो इस तरह से अनेक प्रकार के जीवाणुओं द्वारा पौधों में, जंतुओं में अनेक रोग होते हैं।